अब आप लोगों ने मोदी जी का ध्यान रखना है, किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह के ठीक है भाई, इतना ध्यान रखा रोड क्या जहाज भी आ जाएगा, चिंता मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। मोदी के नाम पे दे दे मतदाता, मोदी के नाम पे दे दे, ये कोई सड़क पे बैठा गरीब तबके लोगों का नहीं कहना है, बल्कि उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत का कहना है। बता दें, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता से चुनावी वादे कर रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर वोट भी मांग रहे हैं, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत वो कुछ इसी अंदाज में लोगों से अपने कार्यकाल में सभी कामों को किए भूल चुके हैं और मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अपने कामों को याद नहीं दिला रहे, बल्कि मोदी के नाम पे मोदी के चुनाव चिन्ह को याद करवा रहे हैं जनता से और कह रहे हैं कि आप वोट डालिएगा। गांव की माताएं बहनें और सभी युवा साथियों, एक तो मोदी जी का धन्यवाद है कि आप चौथान का कोई भी गांव ऐसा नहीं कि जहां रोड, और अब बिनसर महादेव तक भी रोड चले गई। जब भी हम बिनसर जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? गाड़ी से। और हॉस्पिटल भी मैंने सारी सुविधाएं कर दी। अब आप लोगों ने मोदी जी का ध्यान रखना है, किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह के ठीक है भाई, इतना ध्यान रखा रोड क्या जहाज भी आ जाएगा, चिंता मत। और खाता की और जल्दी रोड काटने का काम, जल्दी रोड काटने का काम शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से धन सिंह रावत जो उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने जनता से बात की, पहाड़ की महिलाओं से बातचीत के दौरान साफ कहते हुए नजर आए कि आप मोदी के चुनाव चिन्ह को याद रखिए, भाजपा के चुनाव चिन्ह को याद रख के ही आप वोट दीजिए, बल्कि उनको अपना कार्य याद दिलाना चाहिए था, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि उन्होंने भी कुछ कार्य किए हैं। इसी कड़ी में मोदी भी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं, उत्तर प्रदेश के भी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 1.5 महीने में 3 बार उत्तराखंड के दौरे पर गए, जिसमें एक दौरा धार्मिक था और बाकी 2 में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित किया है। हर सभा में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर बहुत हमला किया। चूंकि उनकी सभा कोई चुनावी रैली नहीं थी बल्कि सरकार कार्यक्रम था, इसलिए वे पार्टियों के नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ शिलान्यास किया है, काम पूरा नहीं किया और राज्य को पिछड़ा बनाए रखा। अब ये बात उत्तर प्रदेश में तो ठीक है और पंजाब में भी ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा लंबे समय तक सरकार से बाहर थी और पंजाब में कभी अकेले सरकार में ही नहीं रही, लेकिन उत्तराखंड के 21 साल पुराने इतिहास में 11 से 12 साल भाजपा की ही सरकार रही। सन 2000 के आखिर में जब राज्य बना तो भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद 2007 से 2012 और 2017 से 2022 तक भाजपा ही सरकार में रही। भाजपा के 7 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर 1 दशक से ज्यादा राज किया। राज्य में बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, इसलिए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधने पर उसमें भाजपा की भी पिछली सरकारें आती हैं जो 7 मुख्यमंत्रियों ने चलाई हैं। चुनाव की घोषणा के बाद जब प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं के लिए जाएंगे तब वे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों में उनका मतलब सिर्फ कांग्रेस की सरकारों से था। उनके कहने का मतलब ये था कि भाजपा की सरकारें 5 साल काम करती थी, फिर कांग्रेस की सरकार काम रोक देती थी और फिर भाजपा की सरकार आती थी तो काम करती थी। हालांकि आम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने दोनों पार्टियों की सरकारों में काम देखा है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर रह रहे हैं, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और चुनावी वादे भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर भी अब मोदी के कार्य को याद करा कर ही चुनावी वादे कर रहे हैं और चुनाव में वोट लेने की प्रक्रिया को भी जारी रख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।